पिछे चल रहे हो मेरे इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन दी छोटी जी बेबी सकीना है अपने बाबे जी उंगली फड़ के आप ही नाल जा रही हो मेरे इमाम मदीने दे बाजारा च पे तुरदे ने मेरे इमाम ने देखया हो मदीने दे बाजारा च कबूतर पे उड़दे ने आ फरमान गए ले मदीने दे ओ कबूतरो मैं तू चलया पता नहीं मुड़े आना है कि नहीं आना तुसी सारा दिन मेरे नाने दे रोजे दी ज़ियारत करते रहोगे नाले रोते नाले रोके फरमान ने जांदी है ते जान हुसैन दी जांदी है ते जवान हुसैन दी सैबरी फिर जावे शाला शहर तेरे बल ना आना कद तीवाना आवे मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन तुरदियां तुरदियां अपने नाने दे रोदे ते गए कदमा बाली शहर दे नाने दे कदमा नु जफा मारे ते कह लगे नाना आ देख तेरा हुसैन आई नाना आया हुसैन आया जदों कन्या दे चुक के मदीने दे बाजारा दी सैर करन रहे हो नाना आया जो तेरे हुसैन मदीना छड़ चले आई नाना अज तेरा मदीना छोड़ चले आई इधर निकी जी सकीना है उन्हें कमली वाले दे रोजे दिया जालियां रो जफा मारे ते नाले रोंदी है नाले रो के आंख दिए पकड़ के जाली रोजे वाली ते अर्ज कर दी सकीना कमली वाले छुट चले आई अज तेरा शहर मदीना मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने नाने की बारगाह में सलाम पेश किया ते कह लगे नी बहन ज़ैनब सामने जन्नत लुभकी है मेरा दिल करदा अम्मी फातिमा नू भी सलाम पेश कर आवां मेरे इमाम दी बहन टुरदियां टुरदियां अपनी अम्मी ज़ारा दे मज़ार ते चले गए सय्यदा ज़ैनब ने अपनी माँ दी कब्र नू कलामां मारिया रो के कहने गए अम्मा जो धियां परदेश जांदियां ने मामा अलविदा करदियां ने अम्मा उठे अपनी ज़ैनब नू अलविदा कर आज अम्मा तुहाडी ज़ैनब मदीना छड़ चली है अम्मा उठे अज ज़ैनब नू अलविदा करो पाप मरे ते साया उठेगा वीर मरन कद खाली बाबा बाज मुहम्मद बख्शा कान करे रखवाली आखिरकार मेरे इमाम अली मुकाम अपनी मां दे मज़ार दे हाजरी दे के घर ते शरीफ लेके आए मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास वीरा तू भी आ जा अकबर पुत्रा तू भी आ जा कासम तू भी आ जा औना मुहम्मद तू भी आ जा सकीना तू भी आ जा उस वक्त मेरे इमाम दी एक प्यारी बेटी है जिदा नाम सय्यदा सुगरा है सय्यदा सुगरा ने आके हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया ने बाबा तू सारे चले ने मैं नहीं जावा मेरे इमाम ने फरमाया नी सुगरा तेरा खामद हसन मुसन्ना भी घर कोई नहीं तेरी तबीयत भी न साले बेटी तेनु इजाजत कोई नहीं सय्यदा सुगरा ने अली अकबर वीर गले बच्चे मामा फा लिया कह लगे वीरा
मेरी सिफारिश करे आगे, मेरी सिफारिश करे आगे। शहजादा अली अकबर ने हाथ जोड़ ले के अर्ज करने वाह तेरी भैन ज़ैनब जा सकती है, तेरी भैन सुहरा भी जा सकती है। शारदा बिछड़ गए कबीर किसे दे, ना होन ना मानिया भैना किस भैन कबीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना। सजना सूरा ने सजना ने सुने नाल लाया क्या लगी रे सजना तू ते बाबे दी बड़ी प्यारी है, बाबे तेरी कदे गल नु मोड़िया कदे नहीं कि सजना बेबी तू सिफारिश कर दे कि ये सजना अपनी भैन दे गले विच वावा पाइया। सजना सूरा ने अली असगर नु पकड़िया क्या लगिया वे असगर वीरा हाले ते राज के दिन असगर आले मैं तेरी जवानी वेखनी सी, हाले ते तेरे झूले भी झूलाने सन, असगर अपने भैन छोड़ चले आए और जलालपुर जटावाने दुआ करिया करो किसे भैन का वीर परदेस ना जावे, दुआ करिया करो किसे भैन का वीर ना मर जावे। भैन दे उस कोल पुछ जावे जिस भैन का वीर कोई नहीं, जिंदा वीर कोई ना आवे वो भैना दीवारा नाल लग के रोटियां उन्हें भैनों ईदियां कोई नहीं जे मिलदा, उन्हें भैनों ईद वाले रोज सीने भी कोई नहीं जे लाउंदा। वो भैणा वाले अपनिया भैणा की कदर करिया करो, ये रब की बड़ी वड्डी नेमत जे तेरे इमाम तैयारियां फरमान इधर मदीने दियां औरतां आ गईयां, मदीने दे बच्चे आ गए बुजुर्ग आ गए, आगे हाथ जोड़ के अर्ज करने आका हुसैन गुफे ना जाया गे गुफीला युफी ने गुफे वाले तुहाडे बाबे नू शहीद किया, गुफे वाले तुहाडे वीर हसन मुजतबा नू शहीद किया, आका गुफे ना जाया गे गुफी दुखे बाद ने आफरमद ने मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अजमत कुरान की खातिर। वो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए उनकी आन रह जाए उनकी शान रह जाए, लुटी जाए पर जो हुसैन दी अज नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। सुन लो शायर पिया उमर तरोना जज बदना बल वापस आशा मेरे नाल कोई नहीं होना, जदर मार खरा जैन गे रोदी कर कर जारी बदना वाले खरी बसो अज साड़ी को तैयारी। शर्त सी नाने दा दीन रह जाए।
ਉਹਦੀ ਆਨ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਹਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ, ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਹੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਣਗੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੱਕੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਬਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ 27 ਰਜਬ ਨੂੰ ਮੁਰੱਜਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਿਆ। 2 ਜਾਂ 3 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮਦਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ। ਮਕਾਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਜਪਾਲਾ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਰੀਏ। ਆ ਫਰਮਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਲਾਜਪਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਖੈਮੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਇਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਲਾਂਤੀ ਪਲੀਤ ਇਨਸਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਆ ਪਲੀਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 7 ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪਿਆਸੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਇਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰਬੀਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੇ। 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓ ਕੂਫੀਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਰੀ। ਮੈਂ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲਗਾ ਦੇ। 10 ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਯਜ਼ੀਦ ਕਹਿ ਲੰਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਕਰ, ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਆਖਿਰ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਸਜਿਆ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਹੁਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਲਬੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਅਲ ਮਦਾਰ। ਆਪ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਬਾਸ? ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜੁਰਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
बस मैं तुहानू थोड़ा जिहा हजरत अब्बास का तारुफ बयान कर देवा ताकि तुहाने ज़हन नशीन हो जाए। जेड़े बेले सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन की प्यारी अम्मी जान मुखदूम उम्मत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा आप दा जदों विसाल हो गया आप दे विसाल तो 10 साल बाद हजरत मौला अली ने दूसरी शादी का इरादा कर लिया। हजरत मौला अली दे एक भाई सन जिन्हां दा नाम सी हजरत अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मौला अली ने अपने भाई अकील नूं बुलाया। ये बड़े अकलमंद ते दानिशवर ते शऊर रखण वाले थे। इन्हां नूं पता सी कि केड़ा कबीला कितना को जुटतमंद ताकतवर ते अकल ते ज़हानत ते शोहरत वाला है। हजरत मौला अली अपने भाई अकील नूं कहण लगे भाई अकील मेरा दिल करदा कि मैं हुण दूसरी शादी कर लवां। हजरत अकील बोल के अर्ज करदे ने लजपाला किवें दे कबीले च करना चाहते हो। हजरत मौला अली फरमानगे भाई अकील मेरा दिल करता कोई इंज का कबीला हो जड़ा अकलमंद भी हो दानिशमंद भी हो जरूरतमंद भी हो बहादुर भी हो सुभान अल्लाह घर जाके फरमा लिया जे ते हाथ भी नहीं चुकने मता तुहाड़े विच कोई शहीद ही ना हो जाए यार वो वदी नु सत्ते ही खैरा ने दोवें हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। यार मैं हजरत गाजी अब्बास का जिक्र छेड़न लगा लजपाला अगर तुसा इंज दे कबीले विच शादी करनी ते वो एक ही कबीला है अरब दा बहुत मशहूर कबीला जिंदा नाम किलाब कबीला। तुसा किलाब कबीले विच शादी करो। हजरत मौला अली दी किलाब कबीले दे विच शादी हो गई। जिस औरत नाल शादी हुई उनका नाम भी फातिमा किलाबिया। पहली शादी हुई नबी पाक दी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी शादी हुई हजरत फातिमा किलाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई। तवज्जो मेरे वल करया जावे। जेड़े बेले हजरत फातिमा के लाबिया पहले दिन मौला अली के घर आईया इमाम हसन इमाम हुसैन उम्मे कलसूम सैयदा ज़ैनब सारे बच्चों सामने बिठा के फरमान गया बचियो ये ना समझा जे मैं तुहाड़ी सतेली मां बन के आई हाँ मैं तुहाड़ी गुलाम बन के आई हाँ मैं तुहाड़ी मां नहीं मैं तुहाड़ी गुलाम बन के आई हाँ। नौजवान वक्त गुजरता जा रहा थे हजरत मौला अली नो अल्लाह ने पुत्र दिता। खबर मिली ना कि अल्लाह ने फातिमा किलाबिया के बदने अथर विचों पुत्र दिता। हजरत मौला अली टुरे टुरे कर रहे पुत्र नो गोदी में रखा। हुण इस जुमले ते सुभान अल्लाह ओ बोलेगा जिन्हें हाथ गाजी अब्बास के हाथों ने सदके सलामत ने मेरा जुमला सुने आज हजरत मौला अली ने पुत्र नो गोदी में रखा। पुत्र का मत्था चुमया रुखसार चुमे ते पुत्र का नाम अब्बास रखा। पुत्र का नाम की रखा अब्बास। अपना पुत्र अब्बास पहले दिन ही हजरत इमाम हुसैन की गोदी च रख के ना तो बोल के फरमान गए हुसैन पुत्रा आ अब्बास तेरा वीर भी है ते तेरा मुरीद भी है। तेरा वीर भी है ते तेरा मुरीद भी है। ये बात छेड़न का मकसद ये कि मेरे मिलत नौजवान आए ने ते मेरी सोरी नहीं सुन के जानी कि सुर की गल भी सुन के जानी। तवज्जो मेरे वाले कर अब्बास किन कहने तवज्जो है मेरे वाल थके तो नहीं ना बैठे जे नहीं थके तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। तुसा माफल तो फारग होके सोना है ते मैं सफर करना है। तवज्जो मेरे वाल कर लो यार अब्बास किन कहने अब्बास कहने जुर्रतमंद नू ते सदके जावा एडी ढिली सुभान अल्लाह। तू अब
अब्बास कहते ने जरूरतमंद नो, अब्बास कहते ने बहादुर नो, अब्बास कहते ने शेर नो, ते अब्बास कहते ने बब्बर शेर नो। हजरत अब्बास मौला अली कोलू जंग दे तरीके सिख रहे, फनून सिख रहे, जंग दे फन फनून, जंग दे तरीके हजरत अब्बास मौला अली कोलू सीखे। ते किताबा में ये भी लिखे है कि जंगे सफीन च हजरत अब्बास भी गए सन। हुण तवज्जो मेरे वल करिया जे, हजरत अब्बास ने जंग दे तरीके किने कोलू सीखे? अपने बाबा अली कोलू। मैनू लगदा थक गए हो, नहीं थके भाई, सारे हाथ चुको ना जड़े जड़े थके बैठे हो। माशाल्लाह ये मौलवी चेक कर आते ने, कदे कदे मौलवी साहब भी चेक कर लेते ने भाई। लंगर भी पकाया गया कोई नहीं? ले हुण मैं तुहानू तुहाडे मतलब की गल पूछ ली है। वो कहते ने लंगर बहुत ज्यादा है, वैसे लंगर मैं अपने अखी वेख के आया, वाकई बहुत ज्यादा है। तो जिंदी अम्मी ते अब्बे ने दस्या ना कि पुत्रा तेनों पाले मुस्तफा दे लंगर तवे, जिहड़ा सरकार दा लंगर खा के पलदा ना, एक बारी चेहरे तो सुस्ती उतारो ते तुम्हें हाथ चुको ते उच्चा जब बोल के फरमाओ सुभान अल्लाह। एक कोशिश होर करो ना, दोवें हाथ चुको ते सीने दा जोर ला के फरमाओ सुभान अल्लाह। मैदाने करबला दे अंदर हजरत मौला हसन मुजतबा दा पुत्र कासम गया ना, इमाम हसन मुजतबा दा पुत्र कासम, एड्डा जवान उम्र थोड़ी पर जवान बब्बर शेर, उम्र थोड़ी है पर एडा जवान है कि बैठा सुरख रंग दे घोड़े ते ते पैर जमीन ते लग दे। हजरत कासम जड़े वेले मैदाने जंग बच गए, भाई कोई मसला थे भाई, प्लीज तवज्जो करो यार, अगर नहीं मुड़ते मैं छोड़ देना भाई, मैं इतना सफर करके आया तो मैं कुछ ना कुछ देना। जज़ाक अल्लाह। इत्थे बैठ के गुफ्तगू करना ते इस चीज नू संभालना बहुत औखा काम है। सानू पता कि किस तरह माहौल बनाई दे, एक बंदे दी गुफ्तगू सारी महफल का माहौल खराब कर देती है। ये दुनियादार दी महफल नहीं, पाकां दी महफल है यार। ते फिर ए देखो, ये दुनियादारां दा डेरा नहीं है, रब दा वेड़ा है, रब दे वेड़े च बैठे हैं। तवज्जो बस मेरे वल करो, अगर मैं तकरीर वाले पेंडे पै गया ना तो फिर बड़ी गल लंबी हो जाएगी। अलहम्दुलिल्लाह मैंने जो मेरे भाइयों ने हुक्म किया ना, इन्होंने हुक्म की तमील कर दिया, मैं तुम्हें कोई सुना लिया। मैं अर्ज कर रहा सी कि हजरत कासम जड़े वेले मैदाने जंग में गए ना, तो उस कूफे की फौज के अंदर, यजीदी फौज के अंदर एक बहुत बड़ा पहलवान सी जिंदा नाम सी अरज़ख पहलवान। एडा वड्डा पहलवान है कि 1000 बंदे का कल्ला मुकाबला करने वाला अरज़ख पहलवान। हजरत कासम जड़े वेले मैदान में गए ना, तो इबने साद अरज़ख नूं कह लगा, अरज़ख इहदा मुकाबला तू करेगा? तो अरज़ख हस के कह लगा, मैं छोटे जिहे बच्चे का मुकाबला, इहदे वास्ते तो मेरा एक पुत्र ही काफी है। हजरत कासम ने इन्ना सुनिया ना, तो आप फरमा लगे, उस अरज़ख पहलवान के 4 पुत्र सन। हजरत कासम ने इन्ना सुनिया ना कि इहदे वास्ते मेरा पुत्र एक ही काफी है। तो हुण सुनिया जे जवाब कासम का, मेरे इमामे हसन मुजतबा दे पुत्र का। हजरत कासम फरमा लगे, अरज़ख एक नहीं अपने 4 पुत्र कट्ठे भेज, गर्दन उड़ा के सुट दी।
अर्जख पहलवान दूसरा पहलवान भेजा पुत्र भेजा हजरत कासम ने इंज वार किया ते ए दो टुकड़े कर दिते अर्जख पहलवान तीसरा पुत्र भेजा ते उनके दरमियान विच दो टुकड़े कर दिते अर्जख पहलवान ने चौथा पुत्र भेजा ते गर्दन उड़ाई उनकी गर्दन इंज करके नेजे च डाल के ना ते कुफियां मले भेजी अर्जख पहलवान नु बड़ा गुस्सा आया अर्जख पहलवान तलवार लहराता लहराता दौड़ा दौड़ा मैदान में आ रहा उन्हें वार किया हजरत कासम ने इंज करके वार डकिया आप फरमान गए जंग बाद करी मेरी पूरी तकरीर का नचोड़ जुमला दिल लगा बई इस जुमले ते जे राती सुत्या पे भी याद आ गया ना बई ते राती सुत्या पे भी तड़प जाओगे मेरा जुमला जाया ना करे जे बई जलालपुर चट्ठा वाले हो उन तवज्जो मेरे वाले करे जे हजरत कासम ने अज करके अर्जख पहलवान का वार डकिया ते फरमान गए एटा पहलवान बनया फिरना आ तेरी सवारी की मंडीज पे लटक दी है तेन तो सवारी ते बैठना भी नहीं आता आते पहले ठीक कर उन्हें नीचे देखा हजरत कासम ने वार किया ते गर्दन उड़ा के यजीदियां वाले भेजी ते हस के फरमान के बड़ा पहलवान बनया फिर दई मेरे नाल जंग करन आया इनू नहीं पता मैं अब्बास दा शगीर दा बड़ा पहलवान बनया फिर दई इनू नहीं पता मैं अब्बास दा शगीर दा सारी बात सुनान दा मकसद ए वे मेरा ओ जुमला आ गया जरा मैं सुनाना चाहना एक बात सच्ची दसे आजे सच्ची दस आजे मेरा जुमला जाया ना करे आजे भाई उजड़ा अब्बास दा शगीरद कासम है उंदी जरूरत इतनी है कि ओ वार कर करके गर्दना पे उड़ांदा है ते जड़ा शगीरद अली दा अब्बास है जड़ा शगीरद अली दा अब्बास है उस अब्बास से फिर क्या कहना अल मुख्तसर कर दे मां अगर मैं अर्ज की थी कि इस बैठ पे आ गया ना तो फिर तकरीर होर दी होर हो जाएगी बस मदाने करबला सजे बार बार हजरत अब्बास अल मदार इजाजत लेने जाते ने ते आका हुसैन इजाजत देंदे नहीं बार बार इजाजत लेने जा रहे थे आका हुसैन इजाजत नहीं देते फरमाते ने अब्बास तेनों वीरा इजाजत नहीं इधर आले अतहार दे छोटे छोटे बच्चे निक्की जी सकीना दे खैमे बिच जाके ना ते अपनी प्यासियां जुबाना कड के सकीना नु बखा के कहंदे नी सकीना नी तू अपने बाबे दी बड़ी लाडली है ते तेरे बाबे तेरी मोड़नी कोई नहीं ते अपने बाबे नु सिफारिश कर सानू पानी मंगवा देवे निक्की जी सकीना बच्चा कह लगी वह बचे हो मेरे बाबे को कुछ छेड़े ना अज मेरा बाबा बड़ा दुखी जे बेटी होवे ना अपने बाबे की मिजाज शनास से वह समझ आती है कि अज मेरे बाबे की तबीयत ठीक नहीं बच्ची बार बार अपने बाबे के चक्कर लगाती है अज की भी बेटी होवे ना अपने बाबे के चक्कर लगा के कहती बाबा की गल तबीयत ठीक है ना खैर तो है ना